बनाने जा रहे हैं चने की दाल का एकदम खस्ता और चटपटा नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता और ब्लेजिंग स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने की दाल का एकदम खस्ता और चटपटा नमकीन। फ्रेंड्स, आपका नमकीन एकदम खस्ता और स्वादिष्ट बने और बिल्कुल भी कड़क या टाइट ना हो तो प्लीज़ उसके लिए मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और यदि अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम चने की दाल का नमकीन बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल का नमकीन बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चने की दाल ली थी और उसको 5-6 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख दिया था। ये बढ़िया से गल चुकी है, इसको मैंने अच्छे से धोकर पानी निकाल दिया है। ये मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी में उबाल आ चुका है। देखिए, अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल में मैंने कोई सोडा नहीं डाला है, कोई यूनो नहीं डाला है, ऐसे ही गलाई थी। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और दाल को मैंने डाल दिया है पतीले में। अब दाल को हम लगभग 3 मिनट के लिए पानी में उबाल लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। ये उबल चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक छलनी में छान लेंगे और अच्छे से हम इसका पानी निकाल देंगे। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसको बिछा देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम दाल और दाल को हम अच्छे से फैला देंगे और इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे जिससे कि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। ये 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए पानी बढ़िया से सूख चुका है। हमें दाल को नहीं सुखाना है, सिर्फ इसके पानी को सुखाना है। अब इसको करेंगे फ्राई। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, बढ़िया से हीट आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल। दाल हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। दाल डालते समय हाथ का विशेष ध्यान रखना क्योंकि तेल उचटता है दाल डालने से, क्योंकि दाल गीली होती है। दाल को हमें मीडियम और हाई फ्लेम पर ही सेकना है, लो फ्लेम नहीं करना है। लो फ्लेम सिर्फ हम निकालते समय ही करेंगे। ये देखिए, दाल एकदम बूंदी की तरह ऊपर आ चुकी है, बढ़िया से तैर रही है, बहुत बढ़िया फ्राई हो रही है हमारी दाल। ये हमारी दाल बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, हम उसके लिए एक दाना चेक कर लेते हैं तोड़कर। ये देखिए, बढ़िया से टूट रहा है, इसका मतलब हमारी दाल बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। एक छलनी ली है, उसके नीचे हमने प्लेट रख ली है। छलनी में हम इसको निकाल देंगे जिससे कि इसमें जो भी तेल निकलेगा वो प्लेट में आ जाएगा। कढ़ाई में से हम दाल को अच्छे से निकाल लेंगे जिससे कि कढ़ाई में दाने बचे ना, जो दाने रह जाएंगे वो जल जाएंगे, इसलिए हम अच्छे से दानों को निकाल लेंगे। ये हमने अपने नमकीन को अच्छे से निकाल लिया, ये देखिए। इसी तरीके से हम अपना बाकी बचा हुआ नमकीन भी सेक लेंगे। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर वापस कर दिया है, इसमें डाल दी है दाल। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारी दाल सिक चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया से सिक चुकी है, कलर भी बढ़िया से चेंज हो चुका है और एकदम बढ़िया से बूंदी की तरह ऊपर तैर कर आ रही है। इसका मतलब हमारी दाल बहुत बढ़िया सिक रही है। ये देखिए, एकदम बढ़िया से टूट रहे हैं हमारे दाने, इसका मतलब हमारी दाल बहुत बढ़िया सिक रही है और लास्ट तक भी हमारी दाल अंदर बिल्कुल नहीं डूबी है, ऊपर ही तैरती रही है। इसका मतलब हमारी दाल एकदम खस्ता बनी है। अब इसमें डाल दिया हमने 1 कटोरी मूंगफली दाने उसी तेल में। इनको हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने में 2 मिनट लगे हैं और देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इनको भी हम एक छलनी में निकालेंगे जिससे कि इनका तेल अच्छे से निकल जाए। अब इस तेल को अच्छे से हम कढ़ाई में ही निचोड़ देंगे। अब इसी तेल में हम डाल देंगे करी पत्ता और गैस को हमने कर दिया है बंद। तेल अभी गर्म है तो इसी में करी पत्ता अच्छे से सिक जाएंगे। ये हमारे करी पत्ता सिक चुके हैं, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारी दाल और मूँगफली दाने करी पत्ता सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक बॉल ले लिया है बड़ा, इसमें डाल देंगे हम दाल। देखिए आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है, इसका मतलब हमारे दाने एकदम खस्ता हुए हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मूँगफली दाने। इसी में हम करी पत्ता को एकदम बारीक से चुटकन करके डाल देंगे। ये तो एकदम बारीक किया है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्ची 1/2 चम्मच डाली है और 1/4 चम्मच काली मिर्ची डाली है और 1/2 चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये हमारा नमकीन बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। इस तरीके से चने की दाल का नमकीन बनाकर हम महीने भर तक रख कर खा सकते हैं। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता और चटपटा नमकीन बनकर तैयार हो चुका है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।